भरतपुर जिले के दो मुस्लिम शख्स की हत्या में हरियाणा में हत्या के खिलाफ ये पंचायत चल रही है। तो आप देख सकते हैं जुनैद और नासिर की हत्या से आक्रोश और इसी को लेकर पंचायत। इसके पहले आपको बता दें भिवानी में बोलेरो में जला हुआ शव मिला, दो कंकाल मिला था और आरोप गोरक्षकों पर, लेकिन जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। हालांकि अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है इस मामले को लेकर, क्या हत्या की गई या फिर कोई घटना है ये अभी तफ्तीश की बात, क्योंकि पुलिस भी अभी खुलकर नहीं बोल रही है, जांच की बात की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर, सुनसान इलाका था भिवानी वो जगह जहां बोलेरो में जला हुआ शव मिला, दो शख्स इसमें सवार थे, नाम बताया जा रहा है नासिर और जुनैद। जुनैद पर हालांकि आपराधिक मामले दर्ज थे पहले से भी, लेकिन नासिर का जो रिकॉर्ड है वो क्लिनचिट, दो कंकाल कई सवाल है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यही जली हुई बोलेरो है जिसकी बात की जा रही है। वहां पर जैसे ही सूचना मिली जो राहगीर थे मुसाफिर थे उन्होंने बताया कि सुबह 4:15 बजे के आसपास उनको ये गाड़ी नजर आई, हालांकि उसके पहले नहीं देखी गई। लेकिन इससे कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। अब दो राज्यों का यह मामला हो गया है, राजस्थान के रहने वाले, लेकिन हरियाणा में हत्या या फिर घटना क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन पोस्टमार्टम की भी पूरी तैयारी। और ये जो शख्स हम दिखा रहे हैं, जो दो लोग जो नहीं रहे उन्हीं की तस्वीर, लेकिन परिवार में मातम पसरा हुआ है। इनका अपहरण हुआ, उनमें एक का नाम जुनैद है और एक का नाम नासिर है। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुनैद के खिलाफ 5 प्रकरण गौक तस्करी के पूर्व में दर्ज। फुटेज जो कैमरे लगे हुए थे रोड पे, वो साइबर क्राइम की हमारी टीम आई थी, उसने चेक किए थे, लेकिन कोई उसमें अभी ऐसी हेल्पफुल एविडेंस नहीं मिली। और यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, इसलिए तो अनुसंधान का विषय है, वो राजस्थान में अनुसंधान चल रही है, वो क्या निकलेगा क्या बताएंगे वो तो उनसे। गाय तस्करी का यहाँ पे कोई नहीं, हमारा कोई इशू नहीं, ऐसा पीसफुल एरिया है। परिजनों ने जब आकर के सूचना दी थाने पर, तो राजस्थान की जो फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है उसके अनुसार तत्काल पहले मुकदमा दर्ज किया गया। अगर हम इस चीज़ में पड़ जाएंगे कि अपहरण कहाँ से हुआ, कहाँ लेके गए, कहाँ मारपीट करी, कहाँ जलाया, कहाँ क्या किया, तो फिर अनुसंधान उसमें दोषित होता है। इसलिए पहले मुकदमा दर्ज किया है, अब बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर। मैम हमने पहले बताया आपको, चेसिस नंबर से मामला ट्रेस हो पाया है और उसके बाद हमने वहाँ मालिक से बात करी, मालिक के बाद मिला कि गोपालगंज जिला भरतपुर में FIR दर्ज है। और ये जानकारी मिली थी कि कोई वहाँ घाट मीका के दो लड़के हैं, उनका किडनैप हुआ था पीरुका गांव के जंगल से, उस संबंध में FIR दर्ज है। हमने उनको सूचना दे दी थी, वो मौके पे आ गए थे और हमने, क्योंकि हमारे क्षेत्र में डेड बॉडियां मिली थी, हमने 74 कार्रवाई करके और पोस्टमार्टम करवाई, डेड बॉडियां उनके वारिसान के हवाले कर दी। पुलिस राजस्थान मौके पे थी और हमारी टीमें थी। तो इस घटना के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये शख्स कहां के थे और हत्या कहां पर हुई, सवाल ये है कि आखिर हत्या किसने की और क्यों की। अब इसी की तफ्तीश पुलिस कर रही है, क्योंकि ये शख्स राजस्थान के रहने वाले लेकिन हत्या हुई हरियाणा में, और शिकायत दर्ज कराई है, आरोप लगाया गया है कि किडनैपिंग भी हुई है और इनको मारा गया है। बजरंग दल पर सवाल उठ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो 5 आरोपी बनाए गए हैं, जो आपको हम ग्राफिक्स में नाम इनका बकायदा दिखा रहे हैं, और इनकी जान गई है नासिर और जुनैद, लेकिन पुलिस भी कह रहे हैं कि जुनैद के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं लेकिन नासिर के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, उसका इतिहास क्लीन है। लेकिन 5 आरोपी, उनमें से एक मोनू, उसे आज तक किस संवाददाता ने बातचीत भी की, देखिए नाम पढ़ देते हैं 5 लोग जिनके खिलाफ मुकदमा है। अनिल मेवात, श्रीकांत मेवात, रिंकू सैनी मेवात, लोकेश सिंगला पलवल, मोनू मानेसर। तो ये जो मोनू है उसका एक वीडियो भी आया था पहले 6 फरवरी को फायरिंग करते हुए, और उससे बातचीत भी की, हालांकि उसने आरोपों से इनकार किया। उसका कहना है कि इस घटना में कोई संलिप्तता उसकी नहीं है और ना ही बजरंग दल की, फंसाने की कोशिश है, नाम खराब करने की कोशिश है। लेकिन ये पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है और हत्या किसने की और क्यों की।